हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू एलिसब्लू। दिस इज दीपेन गोगोई और आज हम बात करेंगे पिवट पॉइंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्केट ट्रेंड और मार्केट रेंज इन जिंक। सो देखेंगे आज जिंक क्या होने वाला है, उसका भी ऊपर हम बात करेंगे। सो आप देख सकते हैं, ये मैंने 4 आवर चार्ट लिया तो जिंक का, इसका आज जिंक पिवट पॉइंट 183.05 एंड द फर्स्ट रेजिस्टेंट 186.45, सेकेंड रेजिस्टेंट 190.65, थर्ड रेजिस्टेंट 193.60 एंड द फर्स्ट सपोर्ट 179.30, सेकेंड सपोर्ट 176.35 एंड द थर्ड सपोर्ट 172.15। तो यहाँ पे देख सकता है, जैसे मैंने पहले बताया था, मार्केट ये डाउन ट्रेंड में ही है और मार्केट नीचे आ रहा है, आने का चांसेस है। तो यहाँ से देख सकते हैं, ये जो ब्रेकआउट किया था, ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट ऊपर गया। जो ये 200 मूविंग एवरेज है, ये 200 मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, तो इसको ब्रेकआउट करने पर या फिर से मार्केट 150 के आसपास चला आया। तो 150 उसका बाद ये जो है प्राइस ट्रैपिंग हो गया, फिर से किया 200, फिर से 150 को ब्रेकआउट कर दिया। तो 150 को ब्रेकआउट करने के बाद ये जो हायर था, ये हायर हाई ब्रेकआउट कर नहीं पाया, हायर लो बनाया और ये बाद में हायर लोअर लो बना दिया। ठीक है, ये लोअर लो बना दिया, बाद में मार्केट नीचे गया। जो प्रीवियस हायर था तो हायर ब्रेकआउट नहीं किया, तो क्योंकि यहाँ पे एक 150 मूविंग एवरेज था तो इसको ब्रेकआउट नहीं कर पाया और मार्केट फिर से नीचे आ गया। तो अभी प्रॉब्लम इसमें है, अभी मार्केट कहाँ जाने वाला है राइट टू लॉन्ग पोजिशन के लिए। तो इसके लिए हम कैसे फाइंड आउट कर सकता है तो मार्केट कहाँ तक जाने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक बात आपको दिखा दूँ, ये जो पहले लो था अभी एग्जैक्टली वही लो में है। ये लो क्यों हुआ तो आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। ये प्रीवियसली जो सपोर्टिंग लाइन है, प्रीवियसली हायर पॉइंट, आप देख सकते हैं बहुत बार ट्राई किया था इसको ब्रेकआउट करने के लिए। ऑलमोस्ट आप देखेंगे तो डेली वाइज मोर देन 6 to 7 days दे ट्राई टू ब्रेक दिस लेवल। सो यहाँ पे देख सकते हैं, फर्स्ट ट्राई, टू ट्राई, थ्री ट्राई, फोर ट्राई, यहाँ पे 5, 6, तो उसको ब्रेकआउट नहीं कर नहीं पाया। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक रेजिस्टेंस लाइन डाल दिया। तो वो रेजिस्टेंस लाइन आके यहाँ पे एक क्या बन गया, सपोर्ट लाइन राइट। तो यहाँ पे देख सकते हैं, 1 सपोर्ट, 2 सपोर्ट, रेजिस्टेंस 3, तो बाद में ये स्ट्रॉन्ग एक सपोर्ट लाइन बन रहा है यहाँ से। तो यहाँ से एग्जैक्टली क्या हो सकता है, मार्केट फिर से मार्केट यहाँ से बाउंस हो सकता है राइट। तो इसलिए ये रीजन में आपको बाय नहीं करना है, सेल नहीं करना है राइट। तो अगर आप सेल नहीं करेंगे तो यहाँ पे आप बाय ले सकता है राइट। तो इसको हटा देता हूं मैं, तो यहां से आप बाय ले सकता है, लेकिन बाय कब लेगा वो कंफर्मेशन मिलने का बाद। तो कंफर्मेशन हमें 15 मिनट में हम कंफर्मेशन लेंगे बाय के लिए राइट। तो अगर इसको ब्रेकआउट कर दिया, क्योंकि आप मार्केट यहां से बाउंस हो सकता है, ये तो 100% कंफर्म नहीं है, क्योंकि मार्केट नीचे भी आ सकता है, क्योंकि यहां पे आप देख सकते हैं जो प्राइस एक्शन मेथड, हायर हाई, हायर लो, लोअर लो, लोअर लो राइट, लोअर लो, ये हायर लो, हायर सॉरी हायर हाई, हायर लो। तो यहाँ से आप देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन मार्केट, ये एक हायर लोअर हाई बनाया है, यहाँ पे लोअर हाई, तो ये फिर से मार्केट नीचे आके एक लोअर लो बना सकता है। जैसे ये लोअर लो बनाया, लोअर लो, लोअर लो, लोअर लो, तो लोअर लो हम अगर कनेक्ट करेंगे तो एक लोअर लो का एक रेंज हमें मिल जाएगा, ऐसा एक रेंज मिल जाएगा अगर इसको ब्रेकआउट करने कर दिया तो। अगर इसको ब्रेकआउट कर दिया तो आप सेल में जा सकते हैं यहाँ पे। तो हम सेल कहाँ जाएंगे, तो और ये जो मार्केट लास्ट टारगेट कहाँ तक रहेगा, हमें अगर प्रीवियसली एक लाइन ड्रॉ करें, ये जो नेक लाइन राइट, नेक लाइन मैंने कनेक्ट कर दिया प्रीवियस हायर पॉइंट को, स्विंग जो हायर पॉइंट है उसको कनेक्ट कर दिया, तो हमें क्या मिल गया यहाँ पे, लास्ट पॉइंट। तो अब ले ज़्यादा से ज़्यादा सेल लेगा तो
आप कहां तक ले सकते हैं? हम कनेक्ट करेंगे पीवीएस, दो तीन कनेक्ट कर देंगे तो पीवीएस लो इसको ब्रेकआउट करे तो एक सपोर्ट, तो ये दोनों को हम कनेक्ट कर देता, किसको, ये दोनों। हम कभी भी ये लोअर पॉइंट को नहीं करेंगे, तो हमने हाई प्रोबेबिलिटी हाई टसेस एरिया को हम कनेक्ट करेंगे, जैसे वन टसेस टू टस, ओके लास्ट पॉइंट। और यहाँ पे हमें कनेक्ट किया इसको, ये तीनों को कनेक्ट करके हमें एक क्या मिला, यहाँ से एक सपोर्ट लेवल, यहाँ पे भी एक सपोर्ट लेवल, यहाँ से भी प्रोबेबिलिटी है मार्केट जाने का, लेकिन अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन डाउन ट्रेंड और स्टोस्टिक और सीसीआई की कॉन्फर्मेशन से ये नीचे भी आ सकता है, तो इसलिए हम अगर सेल लेंगे तो यहाँ तक लेंगे और बाय यहाँ से भी ले सकता है, राइट, ये जो एरिया यहाँ से भी बाय ले सकता है क्योंकि एक सपोर्टिंग लेवल मिला हमें, ठीक है। तो यहाँ से वापस होके एक W पैटर्न फॉर्म करके, यहाँ से एक मिनट, यहाँ से एक W पैटर्न फॉर्म करके मार्केट फिर से वापस जा सकता है और फिर से ये लोअर लो जो पॉइंट है, लोअर लो बना के ये लोअर लो बना सकता है यहाँ पे लोअर लो, तो यहाँ से वापस। अभी हमारे पास टू ऑप्शन है, इधर हम यहाँ से बाय ले सकता है और नहीं तो यहाँ से, टू रीजन, ठीक है। अगर यहाँ पे बाय ले गया तो थोड़ा नीचे हम एसएल लगाएंगे क्योंकि मार्केट नीचे आने का प्रोबेबिलिटी है, राइट, तो इसलिए दो ऑप्शन मिला हुआ है, तो ये यहाँ पे हमें बाय लेंगे, लेकिन बाय कब लेंगे उसके लिए हमें छोटा टाइम फ्रेम में जाना पड़ेगा, जैसे छोटा टाइम फ्रेम हम 15 मिनट में आ गया, तो जैसे आप देख सकते हैं 15 मिनट में, तो 15 मिनट में हमें अभी कॉन्फर्मेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, ठीक है। एक कॉन्फर्मेशन मिला, यहाँ से मार्केट वापस जा सकता है, ये एरिया से मार्केट वापस जा सकता है, और दूसरा अपॉर्चुनिटी है यहाँ से मार्केट नीचे यहाँ तक आ सकता है ये रीजन से। तो अगर पहले मैं आपको एक बात बता दूं, पहले अगर सेल लेना है तो अगर ये रीजन है इसको आप ब्रेकआउट करने के लिए दीजिए, जैसे ये मार्केट नीचे आया ऊपर आया, नीचे ऊपर एक लोअर लो बनाएगा, जैसे ये हायर लो बनाने हायर हाई बनाने कोशिश किया था, अगर कर नहीं पाया तो ये क्या करेगा, वो जो प्रीवियस लो एक लोअर लो बना के फिर से रिट्रेसमेंट करेगा, तो यहाँ से आप सेल कर सकता है यहाँ पे, राइट। अगर बाय लेना है तो बाय कहाँ लेना है, हम बाय को दिखाएंगे, हम बाय कैसे लेने का है, ठीक है। तो मैंने 15 मिनट ले लिया, यहाँ पे देखेंगे हम हाई प्रोबेबिलिटी, तो यहाँ पे हम हाई प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये पीवीएस लोअर हाई, राइट, लोअर हाई फिर से मार्केट ऊपर गया, फिर से एक हायर हाई बनाया, हायर लो बनाया यहाँ पे, सॉरी ये लोअर लो था, मार्केट नीचे आ गया, लोअर लो था, एक हाई बनाया लोअर हाई, फिर से मार्केट नीचे आया, एक हायर लो बनाया यहाँ पे, देखा एक सपोर्टिंग रेंज जहाँ पे मैंने दिया था, एक लोअर हाई, तो मार्केट ऊपर की तरफ जाने का कोशिश कर रहा है, तो यहाँ पे हमें एक प्रीवियस सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल, तो इसलिए आपको एक रेजिस्टेंस लेवल को इसको ब्रेकआउट करना चाहिए, यहाँ पे आपको ब्रेकआउट मिलेगा, राइट। तो साथ साथ में ये जो 5 मूविंग एवरेज और 20 मूविंग एवरेज, तो मैं कलर चेंज को आप थोड़ा कलर चेंज करके आपको मूविंग एवरेज दिखा देता हूँ। ये जो मूविंग एवरेज इधर है, राइट, नेक्स्ट ये मूविंग एवरेज इसको क्रॉस करेगा, राइट, ए एरिया में, साथ में स्टोकेस्टिक बेस लाइन को क्रॉस किया हुआ है सिग्नल लाइन ने, और सीसीआई जीरो लेवल क्रॉस करने का चांसेस है, तो यहाँ पे तब जब क्रॉस करेंगे तो ये रेजिस्टेंस लाइन तोड़ा, वन कॉन्फर्मेशन, प्राइस एक्शन बना रहा है हायर हाई, टू कॉन्फर्मेशन, सीसीआई क्रॉस ओवर किया जीरो लेवल, थ्री कॉन्फर्मेशन, स्टॉक स्टिक भी कॉन्फर्म क्रॉस कर रहा है यहाँ पे, फोर कॉन्फर्मेशन फॉर बाय, तो यहाँ पे जब ब्रेकआउट करेगा जीरो लेवल क्रॉस करेगा वहां पे आप एंटर हो सकता है, ये है एंट्री पॉइंट फॉर बाय, दिस इज द मेथड ऑफ ट्रेडिंग हाई प्रोबेबिलिटी, ओके। इन केस मार्केट नीचे आ गया तो यहाँ से जो लोअर पॉइंट ब्रेकआउट करेगा तो यहाँ से आप सेल स्टार्ट कर सकते हैं, राइट राइट।
This is the trading method, or as up antica ya method. So I hope you enjoy this video. If you like this video, please like and subscribe. Thanks for watching.